हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस तो आप क्या बताएंगे? मीटर। व्हाट इज यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो भी आप क्या बताएंगे? मीटर। तो इस का में अंतर क्या है? जब दोनों की जो डिस्टेंस है वो मीटर ही है तो क्या इसमें अंतर है, डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों के बारे में प्रॉपर डिफरेंस आपको बताएंगे कि आखिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है। ओके, तो सभी लोग जो जानते हैं वो भी, जो नहीं जानते हैं वो भी, दोनों लोग इसको समझिए कि क्या डिफरेंस है डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में। आइए, डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है ये देखिए ध्यान से। जैसे कि मान लीजिए कोई भी ये दूरी जा रही है, ऐसे इतना ही आप समझिए, दोनों में भी इसी तरह से डिस्टेंस जा रही है। ओके, यानी ए से बी, बी टू सी, सी टू डी, यहां पर भी सेम चीज, ए बी सी डी, ऐसे हम नोटेशन करते रहे। मान लीजिए कोई भी पर्सन है जो कहां से जा रहा है, ए से बी जाएगा, बी से सी जाएगा, सी से डी जाएगा, उसी तरह से ए से बी, बी से टू, सी टू डी, लेकिन दोनों में अंतर हमको बताना है। तो डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल जो पाथ जहां से चला था उसका एक्चुअल पाथ आपको लेना है, तो वो क्या होता है? डिस्टेंस। ओके, एक्चुअल पाथ मीन्स ए बी क्या लेना है, ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, आपको टोटल जोड़ना पड़ेगा। यानी डिस्टेंस अगर निकालने की बात की जाएगी, डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, कवर्ड बाय द बॉडी। ओके, तो डिस्टेंस आपने देखा कि डिस्टेंस में क्या था, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। एक्चुअल पाथ मतलब कोई बॉडी कहां चली है, ए से, तो ए से बी गई यानी ए बी, प्लस बी से कितना गई, सी गई, बी से सी यानी क्या आएगा, बी सी, प्लस सी से डी जाएगी तो ये सी डी। ये टोटल लेंथ आपको जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा, क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड अबाउट डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट में क्या है, ए से बी, बी से सी, सी से डी नहीं जाना है, आपको सीधा ए से किधर जाना है, डी की तरफ। ए डी अगर जाएंगे तो ए डी यहां पर क्या है, सबसे छोटी दूरी, जिसे हम लोग कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए डी जो हो जाएगी वो आपकी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये ध्यान समझिएगा, ए से अगर हम लोग इसको पार्टिकुलर देखें, ये चीज अगर हम लोग पार्टिकुलर देखें तो इसका अपना एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है। इसको मान लीजिए ईस्ट है, इसको मान लीजिए वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है। सभी लोग ध्यान से ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपको समझना जरूरी है। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये क्या हो गया, साउथ हो गया। तो ये जो डायरेक्शन आएगी बीचों में, ये कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ ईस्ट। यानी जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें क्या होता है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है। तो जब डिस्टेंस हो गया तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसमें केवल अंतर ये है कि डिस्प्लेसमेंट जो है यहां से गई और यहां पर पहुंच गई सीधा, इसमें क्या हुआ, एक डायरेक्शन है, जबकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं, ए से बी गई, बी से सी गई, सी से डी गई। तो ये चीज हो गया आपका डिस्टेंस और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये बात याद रखिएगा कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ तो दूरी जाएगी, एक चींटी चल रही है कुछ तो दूरी जा रही है। तो सभी लोग समझिए, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, अगर कोई बॉडी यहां से चली और कहीं गई और फिर वहां पर अगर यहां घूम करके जहां से चली वहीं पर फिर आ जाती है, तो यानी ए टू बी गई, अगर एक बार जा रही फिर बी से ए पर लौट के पहुंच रही है, तो कहां डिस्प्लेसमेंट गई, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, तीन तरह से आप समझिएगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, जबकि डिस्टेंस केवल क्या हो सकता है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो जाएगी ही इसका, ये आपका, और लेकिन ये जीरो हो सकता है। आप देखिए इसमें कोई डायरेक्शन है क्या, नहीं है,
तीन मीटर, दो मीटर, पांच मीटर, जो भी, इसमें कोई डायरेक्शन है नहीं है, तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी? ये होगी स्केलर क्वांटिटी। क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि केवल मैग्नीट्यूड जिसमें रहता है, डायरेक्शन नहीं रहती, उसको कौन सी क्वांटिटी कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? क्योंकि इसमें इसका पार्टिकुलर डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड तो हर किसी बॉडी में होता ही है, कुछ वजन है, कुछ लेंथ है, तो लेंथ के हिसाब से आप देखिए यहाँ पर, तो लेंथ है, डायरेक्शन भी है, तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? सभी लोग ध्यान से समझिएगा, इसको क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दोनों की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है, क्योंकि ये लंबाई है, इसकी यूनिट भी मीटर होती है और इसकी यूनिट भी मीटर होती है। तो सभी बात एक बार फिर से रिवाइज करिए कि डिस्टेंस एक्चुअल पाथ होता है, जो पूरी बॉडी पूरी कवर करे, कहाँ से कहाँ जा रही है, कहाँ, जैसे होता है बी से सी, सी से डी, ये एक्चुअल पाथ हो गई, उसको डिस्टेंस कहते हैं। इसकी यूनिट मीटर होती है, डिस्प्लेसमेंट का इसका भी यूनिट मीटर होती है, लेकिन इसमें शॉर्टेस्ट ए से डी जाने में एक ही बार, ये जो है आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ ए टू डी, यहाँ हमने लिखा है, ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसको थोड़ा सा जानिएगा, ये क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसका कोई पूरा प्रिंटेड फॉर्म हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दिए हैं, उसको आप देख सकते हैं और उससे आप जुड़ सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं, उसका नोट्स भी आप वहां से ले सकते हैं। तो सभी लोग अच्छे से, जो आप स्टूडेंट्स हैं या कंपटीटर हैं, जहां से भी हैं, जो जहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में काफ़ी अंतर होता है, वो चीज़ आप समझ गए होंगे कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों में अंतर क्या है। हमारे इस वीडियो में मोस्टली आपको सारे डिफरेंसेस आपको पढ़ाए जाएंगे, जैसे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर है, एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन में क्या अंतर है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएगी। ग्राफ भी बताया जाएगा कि हमारे जो अलग अलग ग्राफ हैं वो कैसे बनते हैं, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ क्या होता है, रिटार्डेशन का ग्राफ क्या होता है, सभी जो है आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड अबाउट डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर है। ओके, थैंक यू टू ऑल।